अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि भलाई से मक्खन कैसे बनाएं। व्यूवर्स, ये मेरे पास 5 किलो भलाई है, इसको मैंने जग लगा दिया था। अब इसमें से मैं मक्खन निकालूंगी। व्यूवर्स, ये फ्रेश दूध की भलाई है, देखिए। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी, तो इसमें से अब हम मक्खन निकालेंगे। व्यूवर्स, भलाई को जाग लगाने से जो मक्खन है वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी आ जाता है। व्यूवर्स, भलाई को जाग लगाने का तरीका ये है कि आप रात को भलाई को जाग लगा के रख दें, दही लगा के उसको गर्म करके भलाई को हल्का सा गर्म कर लें और फिर उसको रख दें, रात भर पड़ा रहने दें। फिर अगले नेक्स्ट दिन आप उसे उसका मक्खन जो है वो इसी तरीके से बना लीजिए। देखिए, अब मैंने इसको जग में डाल दिया है, ब्लेंडर में। अब मैं इसमें ये पानी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। व्यूवर्स, यहाँ पे एक बात जो है, ये एक टिप है यहाँ पे, कि अगर आप की भलाई जो है वो ज़्यादा जो है वो ठंडी है, तो आपने नॉर्मल पानी ऐड करना है। अगर आपकी भलाई जो है वो नॉर्मल है, तो आप ठंडा पानी ऐड करेंगी, इससे जो है वो मक्खन बहुत जल्द ऊपर आ जाएगा। अब ये देखिए, मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। देखिए, इसमें मक्खन आ चुका है, मैं इसको उतार रही हूँ। ये देखें, हम कितना अच्छा मक्खन आया है व्यूवर्स। देखें व्यूवर्स, अब मैं इसको निकाल लूँगी इसे सारा मक्खन, फिर दोबारा मैं इसमें भलाई डालूँगी और दोबारा इसको मैं ब्लेंडर करूँगी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मक्खन आया है। व्यूवर्स, ये बहुत ही आसान तरीका है भलाई से मक्खन निकालने का। ब्लेंडर में आप उसे ब्लेंड कर दें और ऊपर मक्खन आ जाएगा। बहुत ही दो मिनट में ही ये ऊपर मक्खन आ जाता है। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसमें ऊपर मक्खन आ गया है। अब ये देखें, ये देखें व्यूवर्स, अब मैं दोबारा जो है वो भलाई ब्लेंडर में डालूंगी। अब मैं ठंडा पानी डाल के इसमें ब्लेंड करूंगी। ठंडा पानी डालने से बहुत जल्द जो है वो मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है। बस मलाई जो मेरी वो पहले फ्रिज में रखी हुई थी, अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी, तो इससे जल्दी मक्खन आ जाएगा ऊपर। ये देखें, ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ब्लेंडर हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
ये देखें व्यूवर्स, बहुत अच्छे से मक्खन ऊपर आ गया है एक मिनट में। ये पहले से भी अच्छा मक्खन आया है क्योंकि इसमें मैंने ठंडा पानी ऐड किया था। ये देखें, हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे इसमें से, ब्लेंडर में से। ये देखें व्यूअर्स, अब तकरीबन हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड पे करके थोड़ी ये जो इसकी लस्सी है ये हम निकाल लेंगे। ये देखें तो बिल्कुल इस तरह हम इसकी लस्सी जो है ये निकाल देंगे बाहर। ये देखें व्यूवर्स, हमारा मक्खन अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। व्यूवर्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।